आदि चौधरी तो तोरे माने गया
जान का आजो मेरे बाबा बाबा हे जी मेरे बाबा आज तेरी तेरी रहेगी की सवारी बाबा बाई लहर लहर का तेरी सवारी आज तेरी तेरी रहेगी की सवारी वा चौधरी खोर मर दोर मारे कंडे हरी सिंह मेरे बाबा मेरे बाबा जी मेरे बाबा आज चौधरी तो तोरे मान का राजा बाबा जी खोर मर दोर वही दुर्गा काली मेरे बाबा जी मेरे बाबा माता मेरे हबा आज तेरे तेरे वाजुड़े बाबा बाबा जे खोर मर दोर मावारी कसीरो मेरे पापा हे जी मेरे पापा मेरे बाबा मेरे बाबा आज चौधरी तो तोरे माने का आज बाबा जी देखो रमर तो रमरंदा वाली तीनों मेरे बाबा मेरे बाबा तीनों बाबे बाबा आज बाबे तो तोरे माने का राजा बाबा जी जी खोर मर दो रखे काबी हुंडा चौधरी बाबा जी मेरे बाबा आज मेरे मेरे बादल माबी मेरे बाबा खोर मर दो चतुर बीमा चल गई मेरे बाबा जी मेरे बाबा आदि तेरा तेरा रहना बीमा हो गया बाबा भाई रख गवा पूरी मेरा बाबा आजा मेरे बाबा खोर मर दो रघु मारी तीनू मेरे बाबा
बाबा आजी रे तो तुरे मारे गया जाबा रो भाई रे गुरुआ वाली दीनो मान कहा मेरे बाबा ए जी मेरे बाबा आजे चौधरी तो तुरे मारे का आजा बाबा जी जी देखो रे मर दो रे वही पिल्ले वाली काली माँ जी मेरे बाबा आज तेरे तेरे जोड़े मामी आवा पड़ारो वाली वही पिल्ले वाली काली माँ जी मेरे बाबा आज तेरे तेरे जोड़े बाबा ए जी मेरे बाबा आजी रे 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 माने कया जावा पड़ारो भाई रे गुरुआ वाली गद्दी नो मेरे बाबा ए जी मेरे बाबा आज चौधरी तो तुरे मारे का आजा दे बाबा दे आगे करांगे निहाल बोड़ो डो मेरे बाबा दे बोलो पहला बसेरा फिर बबे परमा भरे जे के बड़ा दे तेरा गल गया तेरा मे जाग खेड़े राजा जागे गभमिया पहल के शरण है तुम्हारे खेड़ा जागो सचे भूमिया खोज सुनो बोलो कड़िया च मेरे मां रोजा रोजा बन गया बाबे सच की बनी तेरे घर खवाजा जे बहाजर ते मेरा खवाजा सही नवाज बाबा जे रने का सजान जी चौदह नार सिंह बाबा पहड़ जाम रे हो लिया अड़ी अड़ी नार सिंह तोड़ा अड़ी अड़ी मोर शिखर माच राग ओलिया सतके राणा जे तड़ बज गया मदानन का तड़ बज गया मदानन का माथे पे विद्या होटो पे लाली माथे पे विद्या होटो पे बोल सुनिए महाकाली को बोलो औरत महाकाली का कल कल कदे ओ आया रथ महाकाली का बोल सुनिए हट हट को बोलो हटो दरबार नो विमान का गतियां की रखना लाज बोल सुनिए मोतीराम बाबे नो बोलो आ मोतीराम बाबे नो विमान का मोतीराम बाबा जी नो मान का हाजर होना महाराज बोलो मेरे बाबा बोल सुनिए राम चौधरी बाबे नो नाहन कदीनों विमान का नान के खड़ियान जान का मुंडा सज रहा हाथ बोलो मेरे बाबा जे दुर्गा शक्ति त्रिगेल मामा दुर्गा शक्ति महाकाली का चल कल कते हो आया रथ महाकाली का चल कल कते हो आया जी माए पास तो
महाराज। किस तरह बाबा रैपा चौधरी पिंजरे में संगत मेरे पैरे में जो भी बोल गया खेलते फिर भी सर उखले दूंगा समझ गया। और कोई बैठ बना बैठो नीचे खड़े हो जाए कभी फिर कहा मैं जब पार्वती माता खुला सकूंगा ये ना सोच देखा क्या हो रहा था ये लोग गधिया अंसी मजा था बन जाओ समझ गया चौधरी उमर उमर सुमैया जरा बात ध्यान सुनिए सुना चुप चुप बाबा रैपा चौधरी पिंजरे में विष्णु भगवान नो कैद करा और भगवान हाथ जोड़ा और जब पार्वती माता पिंजरे में रैपा चौधरी बाबे नो छेड़ा और पार्वती माता नो खिला उसके ऊपर अपनी ओपरी करगा चौधरी बाबा रैपा शिवजी पर डबरू किस तरह बजवा मजा खेवा बड़बा पिंजरा बटंगरा जीवा दाता तुरते मारा बनाया रूप आज हो मेरे बाबा जी शिव जीवा पार्वती घूम रहे थे जी ने भंडारा दिया जी हक्का जी जी पूरी फैमिली आ गई आज हक्का जी चाह बैठ जा सेवा दा भंडारा दिया दन यूं बता भला मरना भैया तो चुप हो जो भी कौन बोल रहे हो चुपो जो जी चुपो जो मत्था देखो सलामी लूं बात खत्म और जो उनसे बोल रहे हैं ना आज आज के बाद सेवादार दीवान नोट कर लिए उनसे बोल रहे हैं ठीक है बाबा यानी इसी को ही हो चाहिए ठीक है बाबा मेरे प्यारे मन में चीज पसंद है हाँ भाई सेवादार हाँ भाई राज जगह तेरा पीर का आंध्र पंडा सो रहे थे क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे बैठे थे यूं बताओ तो हम चार चारों बंदे थे राज्य का दिया पीर का मेरे नाम का राज्य का दिया मेरी कथा कौन चल रही है कथा बताओ कौन चल रही मेरी सुमैया भंडारा मंजूर करूंगा जो कथा बताओ कथा बताओ कौन चल रही मेरे नाम की गलत बात नहीं मैंने कथा बता ना गलत बात समैया मैं ऐसा चौधरी रह पाऊंगा मैं अपनी कला खोलने का मालिक आप समैया जरा बागड़ के दे सब जन्म का सोला बोलता जन्म का सोला बागड़े ते सानू मान का बागड़े ते सानू जान का बागड़े ते संगी जय जयकार बोलो मेरे बाबा सेवादार कथा बताओ भंडार तंडी मंजूर करूंगा कथा बताओ जी कहां ते स्टार्ट हो रही थी किसकी कथा जिसका ध्यान होगा ना कथा सुनागा ध्यान
समझिए ना स्टार्ट कहां दे कथा स्टार्ट करी और कहां दे बात करी मन ने हिम्मत दे दी कथा कौन सा बोला यही बात बता दे तुम ते जो भंडारा मंजूर करवाना काम करवाना मैं रहा चौधरी हूं मैं नहीं किसी के उस्मान दा अगर अगर मेरा भगत भी गलत होगा मैं भगत हूं बैठा के पटक दूं जिसके सिर पे है मैं अपनी चौधरी का मालिक हूं ना ना समझ नहीं बताएगा गलत बात समझिया अगर तू सुनाओगा अगले बार जरूरत तो जोड़िया अपनी आ रही है बस साफ सीधी बात है इसमें ना ना नहीं बात राज्य के माँ इनका इनका तो पूछ ले इनका दिमाग कहाँ जा रहा ये दूसरे के चक्कर में अपना खेल बिगाड़ रहे हैं मैं धूप आसन का भूखो हूं अंदर मनो कथा चाहिए कथा कौन चली छोड़ो और बोरा पर दीवार सुनो क्या नहीं पता झूठ ना बोलिए थप्पे देने तो जवाब दिया कि नहीं दिया सही बोलिए दे परा सुना क्यों जन्म का सोलह बोल मेरी बात सुन ले बात हूँ नहीं जिद्दत नहीं इतनी बात का पता थप्पे लगन देने उम्र देवा जन्माष्टमी में थप्पे किस करी थप्पे थोड़ी लगन दे जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण जी मेरी बात सुन ले समैया या तो कर ले बहस ना बंदर हम जुड़ी करने का बात करता हूँ मैं जगह तो मंजूर नहीं करता जा जगह तो मंजूरी करते बात खत्म कर कितने साल हो गए समय इतने गंदे पूछ कर समय ठोक बात पहली बात में रीत क्या समैया जब पीर का जन्म होया नानी पते नाने पते थप्पे लगाई पीर में अपने जो मर्जी राजे का थप्पा दे फिर वही बात करेगा नौमी नहीं करे फिर एक काम कर ले मैं राज्य का मंजूर कर रहा तो डोली बात कर रहा गुड़िया का बीजे का काम इस घर का काम सुधार देने का खत्म करना चाहूँ मंजूर कर रहा मंजूर है बोलो तो करा तो नौमी कर दे उन्हें कर दे जो क्या बात बनी है मेरे पे इलाज ये राज्य का किस लिए करवाया पहले बताओ पूछो भाई हाँ जी किस लिए करवाया बाबे ने गया बाबे ने कहा गया इस टाइम यो देख देवी इस टाइम कौन है रहा इस टाइम भगत नहीं है ना कोई बाबे है रहा इस टाइम समझ गया बात वो कर जो बात करनी है पीर का आदम सिखे करा करना देवी देवते का कोई मजाक नहीं हो रहा अरे ही बात जद पीर ने जन्म के जन्म पा मेरी बात सुन ले जन्म पा अपने नाने नो पूछ पूछिए नो मुंडा मार दे ठेगा अपने सगे नाने नो उस पर थप्पे लुए दी पीर बाबे ने तो किस खेत की बुढ़िया थप्पन दे दिया मैं फटुमा मिल जाएगी इस तरह कर रही बात लो कथप्पन दे दी बस भैया जन्म का सोलह बोल जरा डेविड जिटम माता बात सुनो गर्दे काट दिया था अरे पीर उड़त पड़ रहा और ठेठ का नाने ना पटकर थप्पे लो और जन्म के सड़ा बात चीज कट्टा चलिया था कट्टा चलिया
समझने कथा कथा तो याद नहीं है ई भी बता बोल क्या क्या बताओ बोल ई भी याद नहीं है। हां जी बोलो जी बोलो किससे पूछ ले क्या बोल के ही बात किस पद लवाए थे हां क्यों लवाए थे क्यों लवाए थे नीलगानी दे दे घर ते बागड़ वाले पीर की मां काढ़ दी थी माता बाचन हाँ और पेट में था पीर बाबा और उड़ पेट में उड़ते हुए बैठे ना पर चल गए दिया था भी माता भी लेना आगा अपने आप आगा लेने तनों को बना नहीं जरूरत नहीं है खड़ी है ना गिर देगा मैं कुछ को रखना जी की सेवा करिया मैं ही तो पर चल गया दूंगा जदी जस भी बाबे ने अपने नसक सगे नने ना पर चल गया दी था किस खेत की मुड़िया बोलो जा थाने ये पता बात का है थाने हंस जा सुधर के पीले फिर एक बार का जवाब दो अगर तुम जिस चीज के लिए इलाज करवा रहे हो रात जगह रह रहे हो तुम उस काम को समझिया एक बात का जवाब दे भाई कौन गारंटी ले इनकी ले काम करियो मैं काम करके दूंगा इनकी कौन गारंटी ले ये चौकी नहीं छोड़ने के और चौकी पर कथा सुनाएंगे हैं और खीर सीट चढ़ावांगे और उसको ये गारंटी दे दो जोर से गारंटी लेगा वो मुड़कर चौकी बन जानेगा ले लो कौन गारंटी ले क्यों तेरी गारंटी में तो नहीं ये बात करता समय था ना पहला सोच रहे हम ऊपर दे बात हो कर रहे समय पूछने एक बात पर जवाब दे लगा मेरी बात सुन जब इलाज करवा रहे हैं ना तो इलाज तरीके तो होगा ये थप्पे लगवाने दे थरे घर मानो कोई रीत नहीं लगने की भी रीत लगे थप्पे तो नहीं देने हम पहला मेरी बात सुनिए इंगा सुन तेरी भगत के लो जो मर्जी बात हुई तेरी समय के लो जो मर्जी बात हुई भगत समैया है बादमा आरती के बाद जो मर्जी बात करिए इस टाइम में बाबा समझ गया मैं तो मन की बात तो जानू सो की बात देगा है अरे ही बात जब थप्पे लगवाए थारी सजाए हुआ है जब सुन ले काम करो कि भेबोरे बिछाए सुनो जी चुप हो जाओ चुप हो जाओ थारी सजाई भी सुन लो ध्यान दे थारी सजाई हो है भंडारा जगराता थारा मंजूर तुम्हें यह भंडारा जगराता ते करके मंजूर कर रहा भाई जय जय नो चौकी दरबार की दरवा होगा तीसरी चौकी माँ जहाँ तू मार रखी थी टोपस तीसरी चौकी में रखूंगा टोपस आज रखूंगा मैं भी क्योंकि जब मेरे नाम के ये पूरी दांत जगह बैठ कर नहीं सुन सके एक कथा हम पूछ रहे कभी किसी ने कभी किसी ने कभी मनो क्या नहीं पता हम किसी से पूछ रहे रात जगह अगर माता रानी का रात जगह करावा तार रानी की कथा क्यों सुना बताओ चलो तार रानी कथा क्यों सुना हाँ फिर बता दे जो आप अगर तुम तार रानी की कथा नहीं सुनने के जब तक मिटो जगह बैठने जब तक कथा नहीं बता कथा कौन स्टार्ट है समय है पूछ रहा था पहली बार कर रहा पहली बार फिर बहसबाजी कर रहे थे फिर बात तो बहसबाजी बात क्यों कर रहे थे बैठे बैठे कि मैं तेरी बात तक आनु सारी फिर तेरे मन में क्या सवाल चल रहा खोल बोल अच्छा लगा फिर तो मुझे आदम को लूं अभी तेरे मन बाबा मैं जो बात कह दी ना कह दिया अरे बात मनु ने बात तो तेरी बात समझ ये गलो क्या बात है मैं तो अपने चौधर का मालिक आप हूँ समझ गया अगर मेरा बाग अच्छा लगा गलत कोई भी हो चाहे पीर का कोई बाग था मैं नहीं बख्श दम नो किस मैया गलत कर रहा है गलत से मुझे कर सही बात है बात है सही बात बड़े समैया की सरंगी खुंटी भटक मैं दू और बड़े बड़े भक्ता का कीड़े टाके मैं दू मैं ऐसा पीर हूँ चौधरी समझ गया मैं नहीं बख्श किसी को बस सो की बात आएगा नोचों की दरबार की भरनी पड़ेगी पूरे परिवार सहित और तीसरी चौकी में काम करूंगा थारी सजाई हुआ बस जो थाने
थापे बड़ा काम जवाब दिया। दूसरी बात यो कथा नहीं सुनी। तीसरी चौंकी बा काम करवा दूंगा तोपस मिलांगे चैन तो होगी चोरी तोपस मिल जाएंगे बात खत्म। हर गुड़िया का बीजा लग जाएगा काके वाला भी काम हो जाएगा ठीक है। जो बात करनी बात कर लेगा बात खत्म। इसके जो मन की इच्छा पूरी कर दूंगा। फालतू बात में इतना टाइम नहीं है मेरे चलने का टाइम हो रहा। पर तीसरी चौकी माँ काम करके दूंगा बस इसकी सजा ही होगा। अगर ईपी आरती पूरी करांगा सुन लो ध्यान से बात आरती करका मत्था टेक का सारी बात कहना मानांगे चौकी भरांगे मैं थारा दिल देख कसम या क्या बता क्या बता मैं चौकी के 15 दिन के अंदर ही काम कर दूं टोपस बड़ा 2 मिनट में कर दूं इनसे पर ये आने वाली चौकी पर फिर मैं कथा पूछूंगा समझे समझे अगर टोपा सोना मिला ना तो बाबा रैपा चौधरी हो गए प्रेत कह दिए देवी पर इस चौंकी में पूरा परिवार होना चाहिए। आए चौंकी बादरी जागी थारी 100 मीटर कपड़ा रखो काले रंग की चुन्नी 5 काट रखो 2.5 मीटर नीले रंग का कपड़ा ठहरा रखो बता और पीतरा के 5 बर्तन 5 कपड़ा ठहरा रखो ठीक है। और रही बात इस चौकी में द्वारा कथा छूंगा धरते क्या क्या मन समझा चारो बोलो कथा चलेगी सुननी है पूरी समझ गया। मैं मेरी बात सुन ले मैं ना सिर्फ तन्नो ये पता मैं अपनी मर्जी का मालिक आप ज्यादा वहां करांगे ना मैं भंडारा मंदिर में करता थोड़े के लेंदा भगत जाना समझे जाना मैं पीर अपनी मर्जी चौधर का मालिक हूँ। मैं किसी के यो नहीं बनता हूँ कि मैं 2 बजे आऊंगा 3 बजे आऊंगा समैया गलत कह रहे सिर्फ सही बात है समैया करके तुम्हें माफ कर दिया मैंने लास्ट पर समैया एक बार और कह दिया चौंकी पर कथा सुना बार बार कह रहे मैं चारों पदे पूछूं द्वारा फिर बताऊंगा टोप टोपस का रखे कह देना बस। हाँ जी भाई बोलो जी ठीक है बाबा जी। हाँ जी अंकल जी ठीक है दिमाग खराब हो रहा है इसका जब इतना पता नहीं पड़ा बार बार ये पीर के राज्य के मेरे दरबार में आरती करा द्वारा पागल कर दू मेंटल अपनी चौधर का मालक खूनेगा हम दीवान दीवान क्या चीज हो बात
हाँ भाई इब क्या बात कही था तो सुन गया क्या क्या है वजन में जा आजी क्यों बड़ा था तो पार्वती शिव जी कौन थे बता इतने पर कोई देवता है फिर जब पार्वती माता मां ने ओपरी कर दी अपनी वो खले दी तो मतलब तुम खले सकते फिर आधे घंटे बाद ना चोर जाने का खेत भी रंगे भगत के जाने के बाद मेरे पास सलाह ले लो देवी कोई बात नहीं बाबा माफ माफ बोल बोल इब जब मैं इस तरह माफ नहीं करता इनके माही कोई नहीं आपके बच्चे हैं हम ना चौंके पूरा उनके बरंगे बोल दिया ना चौंके बरंगे पूरी ना चौंके बरंगे हाँ जी पूरी ना चौंके बरंगे ठीक है जी बाबू जी हाँ हम जो ना पूरी ना चौंके बरंगे हम गुनागार मानो सजा मिलना चाहिए हाँ जी अगर बाबा जी नौ चौकी पर हमारा काम नहीं हुआ फिर हम नहीं बोलते वैसे हम नहीं बोलते मांग एक चीज मांग क्या मांगेगा बोल जब तो बहस हमने बहस में बात करा ना सेवादार राजबाजी कर रहे हैं पापा जी अकड़ रहे तो भी अकड़ रहे प्यार 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 दोली पापा जी काम कर रहे हो आपके बच्चे हैं पूरियां भूस दलिया बात कोई भी बहसबाजी तो कर तो बहस ही कर रहे हो तो पीर रहा कितने कितने पीर तो मैं खरीद लिया मेरा काम होना चाहिए समय आगा एक मिनट ठोक के नहीं बोला करता बात नहीं मांग रहे हैं ये पैसे नहीं कर रहे हैं बाबा जी बहस ना करो थोड़ा हाँ ना मैं जवाब दो बस चौकी बंद करवा दूंगा जा चल चल तो यू बता मैं तेरा तेरा गल सवाल कर रहा मैं तेन सरेआम दर्शन दू इतने बात बोली ना तेरी बात का जवाब दूंगा इतने मेरे बात का जवाब देना ज्ञान की बात रहा चौधरी तन्नो मैं सरेआम दर्शन दूं ठीक है क्या मांगा तू बताओ जी मैं पूछ रहा ना क्या मांगा तू देख रहे धन दौलत माया कुछ सेवादार मेरी एक देवी थी सुन ले ध्यान दे बात तन्नो बताओ बात आंखा ते दी अंती संगत बुरी सुनियो आंखा ते दी अंती सुन रहे बात नहीं और उसके पास ना तो पोता था और ना धन ना दौलत और ना माया और ना काया ना दूध ना पूत सिर्फ मैं अपने पोते नो अपने आत्मा चांदी के चम्मच से दूध पिलांदी देखूं ये भी बता क्या चीज मांगी सुन बता फिर क्या मांग गया बता ना हाँ
दूध भी आएगा पूछ भी आएगा। तो यह बात ना दिमाग से लड़ाया करा, अगर जिन्हें यह बात दिमाग में पहली ना तो नहीं, यह बात अच्छी कह दी है, लास्ट बात उन्हें आशीर्वाद चाहिए। अगर कहना ना मेरी लड़की का भी चलो हुआ उन्हें टोपो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, एक मिनट गलती मान लिया या नागर कड़का नागर माफी मांग मेरे अगा मत्था टेक को जी आज बापा जी एक मिनट रुको जी एक मिनट एक मिनट अभी भी बोलो बोलो हां जी मानदार नहीं बाबा जी भाई बेटा ये बोल बच्चा कि मैं नौ चौकी पूरी भर हुआ अब नौ चौंक की पूरी पर आशीर्वाद देना जी जा फिर एक काम करिए चौंक की वक्त सुनूंगा तन्नो तीन महीने के अंदर गुड़िया का बीजा टोपस 25 दिन के अंदर दिला दूंगा और 3 महीने के अंदर बीजा मैं सब कुछ कर दूंगा पर कथा सुननी पड़ेगी बैठ का पूरी रात अगर आरती से पहले चले गए समैया समैया अगर आरती से पहले चले गए उसका गुनाहगार कौन है बोलो भी हम गुनाहगार मनु सजा मिल करिए उसके बाद ना सुपने में एका पीर बाबा सरयाम ठाठा का पटका का बचने बजन पुल गया तेरी रात जगानी सबल सिंह सप्पा ने केरा पाया जय हो बाबा पड़ी नहीं कभी मंदिर हनुमान के मत्था टेकने गई कभी हनुमान के ओपड़े थे कभी यादगार। मैं पुरानी बात बता दूंगा 40 साल पुरानी 20 साल पुरानी यादगार दुर्गा स्तुति तो पड़ी था जी पड़े जी पड़े जी 40 साल पड़ी थे हनुमान 40 की आरती पढ़ दी थी अभी मंदिर में गए हो मतलब कि हां 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 जी हां जी मैंने बोन पर YouTube पर आरती पढ़ी या पूछ नो हां जी पढ़ी बाबा मेरा गजूट की बोल लेकर मुझे क्या नहीं पता सच बताओ जो बाबा जी पूछ रहे हैं बोल सुनिया ठीक ठीक जय हो जाओ जाओ चौकी बाद जागी थारी थी परिवार के सेवा भी करेगी और चौकी पर टाइम जाना आरती पर टाइम जाना और अब जाके सोना नहीं है जब तक मेरी सलामी ना हो जा आरती ना हो जा सारे यही खड़े हो जाओ ठीक है परिवार ही खड़े हो पीछे ठीक है बाबा सेवादार तुम बैठो ना तुम भी आगे बैठो ना तुम बैठो ना
Oh,
तार लो ऊपर ऊपर आ देता हूं इनका हां जी 3000 रुपए तो पंडित नाम उसने पाठ दिखाया था।
हां जी 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 हां
Thank you.
उसके घर माँ बीमारी का रोग चल रहा, दवाइयां चल रही। एक सेवादार है जो अपने घर के बारे में सवाल है, कारोबार के बारे में सवाल है। भाई सामने मत जाओ तभी। तनु ठीक गया मड़ी वाले तेरा।